वेलकम टू तड़का विद भावना। तो आज हम बनाने वाले हैं साउथ की फेमस डिश और वो है इडली सांभर। बहुत टेस्टी होती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। मैं तो सांभर की दीवानी हूँ अपनी मम्मी की। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं सबसे पहले सांभर बनाने की तैयारी करती हूँ। तो ये हमने इमली ली है, ये चपाती इमली बोलते हैं इसे। इसमें गुठली नहीं होती, बहुत कम गुठलियाँ होती हैं। तो ये इमली ले लेनी है और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ढककर रख देंगे। अब मैंने अरहर की दाल ली है कुकर में, तो ये आप क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। मैंने आधा कप दाल ली है तो मैंने 3 गिलास पानी डाले हैं। उसमें 1 चम्मच हल्दी डाली है। अब मैं डालूँगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, और धनिया पाउडर डालने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि इसमें दाल सब्जियां वगैरह आपने देखा होगा सांभर में मिक्स कर देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं अलग अलग तड़का लगाऊंगी और सांभर बनाऊंगी, क्योंकि जब सब्जियां साथ में मिक्स कर देते हैं ना तो बिल्कुल ना देखने में मज़ा आती सांभर और ना ही खाने में मज़ा आता, बिल्कुल घुल जाता है सब्जियों के साथ, उबल जाती हैं तो उसी में मिक्स हो जाता है दाल के साथ, तो इसलिए स्वाद नहीं आता। तो अब मैं आपको सांभर की रेसिपी के आगे बताती हूँ। तो इसमें मैंने कुछ प्याजें और लहसुन की कलियाँ डाल दिए और थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद इसकी 2 सीटी आने तक हम कुकर में पकाएंगे। अब गैस में हम कढ़ाई रखेंगे और उसमें ऑयल डालकर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो अब मैं सब्जियों को, जो सांभर की सब्जियां हैं उन्हें मैं तड़का लगाऊंगी। तो इसमें मैंने जीरा और मेथी के दाने लिए हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी सांभर बनती है। इस तरीके से बनाओगे तो सच्ची में बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल साउथ इंडियन रेसिपी बता रही हूँ। तो अब मैं इसमें प्याज डालूँगी, ये चॉप की हुई प्याजें हैं, तो प्याज डाल देंगे हम। अब इसे थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। तो जब तक गोल्डन ब्राउन होता है तो हम इसे फ्लेम को स्लो कर देते हैं और कुछ लहसुन की कलियों में हम डालेंगे अदरक, ताज़ा अदरक, और इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालने से और ज़्यादा स्वाद आता है, तो आप लोग ताज़ा अदरक लीजिएगा तो जिससे बहुत ज़्यादा टेस्टी स्वाद आए लहसुन और अदरक का। तो हम इसे मिक्स कर देंगे और अब चॉप किए हुए टमाटर डालेंगे और इसे सॉफ्ट होने तक हम इसे पकने देंगे। तो आप लोग इसे ढककर रख दीजिएगा, 2 मिनट के बाद आप लोग चेक कीजिएगा। तो ये देखिए मेरे 2 मिनट हो चुके हैं और मेरे जो टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप लोग इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसमें थोड़े मसाले डालूँगी। तो मसालों में सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें हल्दी 1 चम्मच, उसके बाद मैं धनिया पाउडर डालूँगी 2 चम्मच, फिर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूँगी और इन सब मसालों को मिक्स कर देंगे। और उसके बाद अब मैं कटे हुए चॉप किए हुए लौकी डालूँगी और साथ में मैं डालूँगी कटी हुई मिर्च। तो ये डालने के बाद अब मैं इन सबको मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इसमें चॉप किए हुए कद्दू डालूँगी और साथ में हम डालेंगे सहजन की फली। तो ये बहुत ज़्यादा विटामिन होती है इसमें, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी और आप लोगों ने सांभर में देखा होगा। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है हमारे बॉडी के लिए, तो आप लोग ज़रूर डालिएगा इसे। और डालने के बाद हम सभी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, तो आप लोग जो नमक डालें वो देखकर डालिएगा, क्योंकि हम इडली में भी डालेंगे और सांभर में भी डालते हैं नमक सब्जियों में, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखिएगा नमक का मेज़रमेंट। और इसे ढककर रख देंगे। तो इसे 10 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे तो हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से पक चुकी है। सारी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसका मतलब हमारी सब्जियाँ पक चुकी हैं। अब हम इसे हल्का हल्का मैश करेंगे, हल्का से मैश कीजिएगा, ज़्यादा नहीं। अब इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, हींग डालना ज़रूरी है क्योंकि इसमें सांभर में बहुत ज़्यादा स्वाद आ जाता है हींग का। तो हम हींग डाल देंगे।
अब जो हमारी इमली का जो पेस्ट था मैंने जो शुरू में रखा था, हम उसे देखेंगे जो हमारी इमली है बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल गई है, तो हम इसे हाथों के हेल्प से पानी में इमली को घोल देंगे। बिल्कुल मतलब एकदम गुठलियाँ गुठलियाँ रहनी चाहिए, सारी इमली घुल जानी चाहिए पानी में। तो इसे हम साइड में रख देते हैं। और अब सांभर मसाला है हमारे पास, तो हम इसे डाल देंगे। अगर आपके पास ना हो तो कमेंट में लिखिएगा, हम सांभर मसाला की भी रेसिपी ज़रूर देंगे। तो सांभर मसाला डाल देंगे हम और इसे मिक्स कर देंगे हम, और इसे थोड़ी देर ऐसे रेस्ट पर रख देंगे हम। तो जो हमारी देखो दाल है वो अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है। 2 सीटी आने के बाद हमने कुकर खोला है और ये हमारी जो दाल है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पक चुकी है। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। तो जो हमारी सब्जियां थी सांभर की, अब हम उसे लेंगे और दाल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये सारी सब्जियां डाल देंगे, तो इससे हमारी सांभर बहुत अच्छी देखने में भी अच्छी लगती है, सारी सब्जियां दिखती हैं। तो इसलिए हम साथ में दाल और सब्जियों को नहीं पकाते। तो आप लोग देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। और जो अब इमली का पानी था वो हमने छान लिया है और उसे भी हमने सांभर में डाल दिया है। तो देखिए हमारी सांभर बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके ऊपर एक स्पेशल तड़का लगाएंगे हम लोग। तो अब सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। उसके बाद जो करी पत्ता है उन्हें हम काट लेंगे। कुछ लीव्स लिए हैं मैंने करी पत्तों की और उसे चॉप कर लिया है। और अब हम कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा राई। उसके बाद साबुत हम लाल मिर्च डालेंगे। तो मैंने 3 लाल मिर्च डाली है, आप लोग 4 भी डाल सकते हैं। जब तक हमारी मिर्चें फ्राई हो रही हैं तब तक के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिससे हम आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आएँ। तो अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और जो हमारे करी पत्ता काटे थे हमने वो डाल देंगे और थोड़ी देर हम इन्हें फ्राई होने देंगे। तो इसके ऊपर अब हम डालेंगे कस्तूरी मेथी। तो ये कस्तूरी मेथी आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन कस्तूरी मेथी डालने से कस्तूरी मेथी का भी स्वाद आता है सांभर में, तो आप लोग डाल सकते हैं अगर आपके पास हो। तो मैंने कस्तूरी मेथी डालने के बाद तड़के को हम ट्रांसफ़र कर देंगे सांभर में, और इसमें थोड़ी सी कढ़ाई में हम सांभर लेंगे जिससे हमारा जो पूरा तड़का हमारे सांभर में आ जाए। तो हमने डालने के बाद हम हमारे सांभर जो है वो बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी होती है गाइस। मैंने खुद खाया तो मेरे को पता ही नहीं चला था कि ये सांभर यार इतनी टेस्टी हो सकती है, बहुत टेस्टी। एक बार ज़रूर बनाइएगा सांभर। आप चाहे तो इसके साथ आप लोग बेंदू बड़ा भी बना सकते हैं, तो मैंने बेंदू बड़ा की भी रेसिपी शेयर की है, तो आप लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं बनाने वाली हूँ इडली। तो अब मैं इसमें लूँगी 3 कप सूजी। तो आप चाहे जितनी भी ले सकते हैं, जितनी क्वांटिटी में बनाओगे पर आपकी इडली बिल्कुल स्पॉन्जी और टेस्टी बनेगी। तो मैंने इसमें 3 कप सूजी ली है। सूजी आप लोग छान लीजिएगा, मेरी छनी हुई है तो इसलिए मैंने ये सूजी बिल्कुल ऐसी लेनी है, ना ज़्यादा मोटी ना पतली, और इसे ना पीसना है, कुछ भी नहीं करना। इसमें बस थोड़ा सा हम चीनी डालेंगे, और ये सीक्रेट है कि चीनी डालने से हमारी इडली स्पॉन्जी बनती है। तो उसके बाद हम थोड़ी सी चीनी डालने के बाद अब इसमें हम दही डालेंगे। तो दही क्वांटिटी के हिसाब से लीजिएगा। 3 कप सूजी के लिए मैंने इसमें 1 और आधा कप दही लिया है, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम पानी डालेंगे, और पानी भी आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है, मेरे को मेज़रमेंट पता था इसलिए मैंने डाल दिया है। तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके स्मूथ सा टेक्सचर बना लीजिएगा। अब मैं विस्कर लूँगी और विस्कर की हेल्प से इसे स्मूथी टेक्सचर दूँगी। तो इसे मिक्स करना है, और इसे जितना आप फेंटोगे उतनी ही स्पॉन्जी बनती है इडली। तो हम इसे फेंट लेते हैं। तो अच्छी तरीके से फेंटने के बाद इसे हम रेस्ट पर रखेंगे। तो आप लोग भी इसी तरीके से, मिक्स करना हो तो आप लोग चमचे से ही आप लोग मिला लीजिएगा। और इसमें थोड़ा सा अब हम नमक डालेंगे, तो मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग नमक का मेज़रमेंट ध्यान रखिएगा। आप इडली में भी नमक डालेंगे, सांभर में भी नमक डालेंगे, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना। और इसे विस्कर की हेल्प से जितना फेंटोगे इतना ही स्पॉन्जी बनता है। उसके बाद हम इसे रेस्ट पर रखते हैं। तो 5 मिनट तक हम इसे रेस्ट पर रख देंगे। और अब हम गैस पर रख लेते हैं इडली का बर्तन, और उसमें 1 से 1.5 ग्लास हम पानी रखेंगे।
और इसे गर्म होने देंगे। और अब हम बैटर में हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में लीजिएगा। और इसे डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे, हल्का सा पानी डाल लेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में मिक्स कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इडली या सांभर रेसिपी से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। इसके बाद हम इडली के बर्तन का जो पानी है वो गर्म हो चुका है, तो अब हम इडली के बर्तनों में हम इडली का पेस्ट डालेंगे। तो अभी पहले उससे पहले हम जो तेल है, या आप किसी भी तेल से या घी से ग्रीस कर लेंगे, जिससे हमारी इडलियाँ चिपके ना। तो हम सभी प्लेटों को हम इसी तरीके से हम ग्रीस कर लेते हैं तेल से। तो ये इडली के बर्तनों पे हमने कर दिया है, तो आप चाहे तो ओवन में भी बना सकते हैं। तो मैं इडली के बर्तनों में दिखा रही हूँ क्योंकि किसी किसी के पास ओवन नहीं होता और उन्हें नहीं पता होता कि इडली कैसे बनाते हैं। तो अब मैं इसे बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं, जितना सर्कल है उसी के अंदर डालना है हमें। तो ये स्पॉन्जी बन जाएंगी अपने आप। तो इसमें सभी इडलियों के बर्तनों में इसी तरीके से डाल देंगे। तो आप चाहे तो बिंदु बड़ा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों रेसिपी आपसे शेयर की है और यकीन मानिए सांभर के साथ दोनों ही बहुत टेस्टी लगती है। तो आप लोग इस तरीके से अब हम गैस पे रख देते हैं और इसे ढक कर रख देते हैं। 5 या 10 मिनट तक हम इसे ढक कर रखेंगे और बीच बीच में चेक करते रहिएगा। तो इसे हम रख देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, और आप एक फॉर्क ले लीजिएगा और इसे टच करके देखिएगा, आपकी फॉर्क क्लीन निकलती है तो इसका मतलब हमारी इडलियाँ अच्छे से पक चुकी हैं। और अगर नहीं निकलती तो आप थोड़ी देर और ढक कर रखिएगा। उसके बाद हम इस ढक्कन को तुरंत ऐसे ही ढक कर रख देंगे जिससे हमारा पानी का जो स्टीम है वो अंदर ही रहे, और हमारी सांभर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम सर्व कर लेते हैं। तो हम इसे चम्मच या चाकू की हेल्प से निकाल सकते हैं, आसानी से इडलियाँ निकल जाती हैं। और देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल इडली जो है स्पॉन्जी बनी है और जालीदार बनी है। तो अब हम सारे इडलियों को ऐसी तरीके से निकाल लेंगे। हमने इडलियाँ निकाल ली हैं और सांभर के साथ सर्व कर लिए हैं, तो बहुत टेस्टी होते हैं। एक बार ज़रूर बनाइएगा, फैमिली को खिलाइएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हो नई रेसिपीज़ के साथ। टाटा, बाय बाय।